नमस्कार दोस्त। देखिए, एचपी का लैपटॉप है और इस लैपटॉप को अभी ऑन करने के बाद देखिए किस टाइप का गोल गोल घूम रहा है। ये कॉन्टिन्यूसली फ्रेंड्स घूम रहा है, करीबन 5 मिनट से घूम रहा है। तो आपका भी अगर इस टाइप का अगर बिजी आता है अपना लैपटॉप या स्टार्टअप में प्रॉब्लम होता है और इस टाइप का काफ़ी देर से अगर मैंने घूमते रहता है, आपका स्टार्टअप नहीं हो पाता है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे अभी हम लोग इस वीडियो में दिखाने वाले, फुल डायग्नोस जो कि आप लोग को दिखाने वाले फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को इस ट्रबल शूट के बारे में बताने वाले हैं और कभी ना कभी शायद आपका लैपटॉप के साथ भी इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ होगा या हो सकता है, तो एक बार देख लीजिए। ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं देख बने रहिए। तो सबसे पहले जो है चल रहा फ्रेंड्स, इसको हम लोग को जो कि बंद कर देना होगा, प्रेस करके इसको बंद कर देते हैं। कुछ देर पावर बटन को दबा के रखे थे तो बंद हो गया। बंद होने के बाद जो करना है इसको एक बार फिर से ऑन करेंगे। ऑन बटन को प्रेस करके ऑन करते हैं और F10 जो दिख रहा है फ्रेंड्स, F10 को हम लोग कंटिन्यूसली जो कि ये करेंगे, प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो चेक करेंगे कि बायोस का स्टेटस में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते, ओके F9 प्रेस करेंगे। ओके, F9 प्रेस सेट एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देते हैं। फिर इसको सेव करके हम लोग F10 में एग्जिट हो जाता है। F10 प्रेस करके एग्जिट, फिर से जो कि हम लोग को F9 प्रेस करना होगा। F9 देखिए, यहाँ F9 में हम लोग इसका बूट, सॉरी F10 ही दबा रहे थे क्या? अभी जो है कि हम लोग को F9 प्रेस कर दो। ओके, ऑन करने के बाद F9 देखिए, F9 मैंने प्रेस कर रहा है तो ये बूट मेनू आ चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए इसका जो दिख रहा है फ्रेंड्स F9, तो यहाँ पे आपका OS बूट मैनेजर UEFI में एक विंडोज बूट एक दिख रहा है और एक हार्ड डिस्क का दिख रहा है, यानी कि एक SSD और एक HDD का दिख रहा है। तो दोनों जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे HDD भी है और आपका जो कि SSD भी है, दोनों ही है HDD और SSD। तो एक बार जो कि आप SSD को सिलेक्ट करके जो कि एक बार एंटर करके देखते हैं बूट होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए, इसमें भी प्रिपेयरिंग विंडोज आ रहा है, तो इसमें भी सिस्टम आपका स्टार्टअप नहीं हो रहा है और विंडोज़ प्रिपेयरिंग हो रहा है। थोड़ा देर वेट करते हैं, यहाँ थोड़ा देर वेट करके एक बार ट्राई करके आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से स्टार्टअप हो रहा कि नहीं हो रहा। बट हम लोग अभी जो करने वाला फ्रेंड्स, देखिए इसको फिर से हम बंद कर देते हैं जी, ऑफ कर दी, और F1 जो कि प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए F1 प्रेस करते, ओके F1 प्रेस करना होगा। F1 प्रेस करने से आपको दिखेगा यहाँ पे, सिस्टम का पूरा डिटेल्स आ रहा है, तो यहाँ एस्केप कर देते हैं। एस्केप करने के बाद अभी एक बार देखते हैं कि मेरा सिस्टम स्टार्टअप होता कि नहीं होता। तो फ्रेंड्स उसमें भी नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से एक बार जो कि इसको दोबारा बंद करके दोबारा चालू करते हैं। चालू करने के बाद जो कि F2 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, सारे प्रोसेस वन बाई वन कर लीजिएगा। F2 यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू प्रेस करेंगे, तो F2 प्रेस करने से फ्रेंड्स यहाँ पे HPPC हार्डवेयर डायग्नोस्टिक UEFI करके आएगा। तो यहाँ पे आके एक बार चेक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए टेस्टिंग में जो है कि मेमोरी, यहाँ पे दिख रहा है मेमोरी टेस्ट है और हार्ड डिस्क टेस्ट है, तो हम लोग जो कि HDD टेस्ट में जाना होगा यहाँ पे। ओके, तो हार्ड डिस्क यहाँ पे कीबोर्ड, हाँ यहाँ पे देखिए HDD को हम लोग सिलेक्ट किए हैं। आप लोग थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं, देखिए हार्ड डिस्क टेस्ट, इसको एक बार हम लोग एंटर करेंगे और इसको जो कि क्विक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। इसमें ये पता चलेगा कि मेरा जो हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हार्ड डिस्क है इसीलिए आ रहा है कि सिलेक्ट, तो यहाँ पे हमको ऑल करना होगा, हमको दोनों हार्ड डिस्क को चेक करके देखना होगा कि किस में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा डायग्नोस्टिक
जो कि यहाँ पे चल रहा। तो फ्रेंड्स अब भी इस टाइप का अगर आपके पास एचपी का लैपटॉप है तो एक बार करके देख लीजिएगा, तो आपको जो कि सारे चीज़ इसका पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो कि मेरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ये मेरा एक शॉर्ट टेस्ट डीएसटी जो दिख रहा है, शॉर्ट डीएसटी वार्निंग दे रहा है, और यही मेरा मेन प्रॉब्लम है जिसके चलते जो है कि मेरा सिस्टम इतना स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड्स डीएसटी जो कि यहाँ पे फेल, मतलब 100% फेल नहीं है, बट वार्निंग दे रहा है, इसका मतलब है ये हार्ड डिस्क में कुछ दिक्कत है, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और तभी आपको बेटर परफॉर्मेंस अपना सिस्टम का मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एचडीडी और यह है, दोनों है, तो वन बाई वन जो है कि आप यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, उसके बाद जो है कि कंफर्म हो जाइएगा कि आपका हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है कि एसएसडी का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का अगर आपका भी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हो, अगर एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगा हुआ है या सिंगल हार्ड डिस्क लगा के आपने रखे हुए, तो भी आपका इस टाइप का अगर कभी प्रॉब्लम होता है तो टेस्ट करके आप लोग चेक कर सकते हैं, और जो भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो है कि अगर मान के चले आपका एचडीडी ख़राब है या एसएसडी ख़राब है, अगर चाहिए एसएसडी आपको न्यू इसको रिप्लेस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग जाके परचेस भी कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पे उसके बाद कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है, आप मेरा काफ़ी वीडियो चैनल पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, आप लोग वीडियो देख के एचडीडी को लगा सकते हैं, ऑनलाइन से काट भी कर सकते हैं, और जो है कि फिर कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज़ को, कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना, सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।